हेलो गाइस, राम राम। मैं आपका भाई कुलदीप परमार फिर लेके आया हूँ आपके लिए एक और नया वीडियो। भाई देख सकते हो, दोनों भाई जा रहे हैं हम खेत पर, जो कि सोयाबीन कितने दिन हो गए क्यों भैया, कितने दिन हो गए सोयाबीन, कितने 8 दिन कौन 15-16 दिन हो गए। शनिवार से शनिवार के 20 दिन, 11 दिन हुए, 11 दिन सबके साथ की सोयाबीन इस बार। तो देख सकते हो, और अपनी भी आपको मैं बताऊंगा। तो थोड़े से क्या एमपी के रास्ते ऐसे ही रहते हैं, तो गाड़ी 1 किलोमीटर तो हो गया है, 1 किलोमीटर और 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। देखो गारा हेड़ने का जुगाड़, देखो ये खंबा पूरा बाट पे आ गया बारिश के कारण। 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है फिर हमारा खेत आता है। खेती करना खेल नहीं है बच्चों का, खेल निकल जाता है बच्चों का नहीं है। तो क्या आर पार के जूते चाहिए माल में, और हमारे कैंपस का सैंडल पहन के कैंपस काम नहीं करता है, कैंपस मात्र घूमने फिरने का काम आता है। आज ही पहले वो जो भी दवाई है उसका सही रिजल्ट मालूम पड़ेगा, क्योंकि इस बार हमारे भाई साहब कर रहे हैं टेक्निकल खेती। तो इन्होंने खाद में दवा फेंकवाई है। इससे क्या है कि जो दूरी है वो समय में बदल के जल्दी। इस बार कुछ भी है, हर आदमी ने सीधे कावड़ लगाए है ना। देखो सबके कावे बताऊंगा मैं, एक के भी भाई तुम अपने खेत के अपने के भी ऐसे ही है, क्योंकि इस बार क्या जमीन बराब थी। फाइनली गाइस आ गए हम खेत पर, और देख सकते हो हमारे कावे आप, और चारे में भी जो इन्होंने दवा फेंकवाई थी दवा ने काम किया। बाकी आप खेत देख सकते हो चारा, तो कुल्पे की हमें ज़रूरत नहीं है। और ये फेंकी हमने 13-14 की, और ये बना रहे हैं वीडियो। थोड़ा सा क्या, अब आपको मैं अंतर बताता हूँ खाद फेंकने का, जो कि हम दियाड़किया लेकर आए थे। तो उनका आपको काम बताऊं कि पूरी एक वो भूल गए हैं ये खाद फेंकना, तो इसमें आपको चारा दिखेगा, बाकी पूरे खेत में कोई चारे काम नहीं है ना। देखो सोयाबीन, ऐसा क्या रिजल्ट रहा बेलर 32 का बताना भाई कमेंट कर कर। और गाइस हमारा खेत है जिसमें आप चारा देख सकते हो, और ये पड़ोसी का खेत, क्योंकि ये क्या गलतियां की जमीन है, और ये थोड़ी किसी क्या खंती पड़ती है, तो खंती में आपको मालूम चारा रहता है, तो इसमें भी आप चारा देख सकते हो। खुश, डिजिटल खेती है मेरी। अब ये हमें सोचनी पड़ रही है कि जो ये छीता कावा इसमें होल लगी है या दूर चलाया है। ये भाई देख सकते हो मेरे पड़ोसी का खेत है जिसमें बिल्कुल भी चारा नहीं है, ये नहीं है ना गाइस चारा इसमें बिल्कुल भी। इल्ली का प्रकोप लग चुका है भाई, 11 दिन की तौर में इल्ली पड़ गई है। तो भाई ने किया एग्रीकल्चर, उसके दम पर खेती हो रही है इस बार।
देखते हैं कैसी क्या पैदा होती है। पिलाऊ, पिलाऊ का भी अंतर है भैया, क्यों पिलाऊ से भी, पर वो चारा तो नहीं है ना जो सबके। अभी दूसरे खेत का भी आपको हम रिजल्ट देते हैं भाई। फाइनली फिर भी सबकी तो बहुत ही बढ़िया है। अब कौन सी दवा फेंकना है, कितने दिन बाद? अभी हकीम वाकी बोल रहे गाइस, और वो भी फेंकना है, फेंकते हैं जल्दी काम से निपट कर, क्योंकि अभी नदी में से रेत अड़ने का प्रोग्राम चल रहा है, तो उसका तो हम वीडियो नहीं बना पाए। अभी घर जाके उसका भी वीडियो बनाएंगे। और भाई ये अपने किराएदार का खेत, जो कि ये बोनी भी अपने हाथ से हुई है, जो कि 220 बीघा की बोनी करते हैं हम। थोड़ी सी इस खेत में छेदी रह गई है, तो देख सकते हो आप तो बिल्कुल। इसमें थोड़ी सी क्या ज्यादा मात्रा में दवा फेंकी थी, उस कारण इसमें तो खत्म है, चारे का काम ही नहीं कोई भी। ग्यारह दिन की तोर है भाई, इस कारण थोड़ी सी क्या है कम दिख रही है, बाकी मैं आपको बताऊं। ये पानी नहीं गिरा ना भाई, इस कारण ये खराब हो गई है बीज। थोड़ी सी ओंडी के भी चक्कर लगते हैं मुझे, पर ये धीरे धीरे उग रही है सोयाबीन, बाहर से सोयाबीन हटी हुई है, जैसे कि आप देख सकते हो ये वाली। है ना, तो आपसे मिलते सीधा घर, है ना।